फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर 1 से हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1/4⁻²-3⁻⁸⁻⁦-1/4⁻²-1/2। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद देखा कि 1/4 बेस है, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम बेस को रेसिप्रोकल करते हैं। 1/4 का 4/1 हो जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 3 एज इट इज रहेगा, 8 की पावर 0। जब भी किसी नंबर की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 लेते हैं। 1/64 जो बेस है, जब हमने इसको 64/1 किया तो -power 1/2 हो गई। साइन चेंज होता है सिर्फ, बेस का रेसिप्रोकल होगा। 4/1 सिर्फ 4 रहेगा, 4 की पावर 2 है। 3 × 1 = 3, 64 की पावर 1/2 का मतलब 64 का स्क्वायर रूट करेंगे। 4 की पावर 2 मीन्स 4 × 4 है -3, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। तो 16 − 3 − 8, 16 − 11 आंसर 5 आता है। तो इस तरह से हम ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखने में डिफिकल्ट लग रहा है बट इट इज अ वेरी सिंपल वन। 2⁻ⁿ, 2⁻ⁿ−1 इंटू 2 की पावर −1, इस तरह से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। अगर माइनस है तो माइनस का साइन लगता है। देन 2 की पावर n+1 है तो 2 की पावर n × 2 की पावर 1 लिखेंगे, 2 की पावर n हो गया। अब हमने देखते हैं कि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों टर्म में ये गोल करने का मतलब ये पूरी एक टर्म मल्टीप्लाइड है और ये भी पूरी टर्म मल्टीप्लाइड है और ये 2 की पावर n है। इन सभी में 2 की पावर n सब में कॉमन है। तो पूरे न्यूमरेटर से 2 की पावर n कॉमन लिया तो यहाँ पर जब 2 की पावर n कॉमन लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मीन्स कि यहाँ पे 1 लिखना है। प्लस 2 की पावर n कॉमन लिया तो 2 की पावर यहाँ पे -1 है का मतलब 2 की पावर −1। एंड 2 की पावर n डिनोमिनेटर से भी कॉमन लिया तो 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n जब कॉमन लिया तो सिर्फ 1 रह गया। 2⁻ⁿ, 2⁻ⁿ को सिंप्लीफाई किया, 2 की पावर −1 मीन्स कि बेस को हमने 1/2 लिखा, मतलब 2 को 1/2 लिखा तो पावर −1 प्लस हो गई। तो अब हम इसको 1+1/2 और 2 − 1 = 1 लिखेंगे। 1+1/2 = 3/2 होता है। तो ऑप्शन हमारा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो लुकिंग वेरी डिफिकल्ट बट इट इज वेरी इजी वन। अब सबसे पहले हम इसमें बोला द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस गिवन स्टेटमेंट, जो एक्सप्रेशन मैथमेटिकल फॉर्म में दिया 7x³-3, 5 की पावर 2 x-8 और 1 × 2 = 5 के इक्वल है। तो हम देखते हैं एक्स की वैल्यू को ढूंढने के लिए बेस 7 है, पावर अननोन है और बेस 5 है। तो हम 1, 2, 2, 5 को स्प्लिट कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स में। 1, 2, 2, 5 को स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद देखा कि 1, 2, 2, 5 के प्राइम फैक्टर में 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2 दिया है। तो इनको इक्वेट करेंगे। 7x⁻³-3, 5 की पावर लिखी और इस तरफ भी हमने 5 और 7 की पावर को लिख दिया। अब हम 7 बेस दोनों तरफ 7 की पावर के साथ 7 की पावर दोनों तरफ मल्टी कंपेयर करेंगे। x−3 = 2 और 5 की पावर के साथ 5 की पावर को कंपेयर करेंगे। 2x−8 = 2। दोनों ही केस में हम देखते हैं कि x की वैल्यू 5 आती है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड है। अगले क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पर अननोन वैल्यू जो p है इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए कहा और ऑप्शन दिए हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन के बाद हमने देखा 13 − p√10 पर पूरा स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया, इधर भी स्क्वायरिंग कर दिया, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों स्क्वायरिंग करने के बाद देखा कि स्क्वायर ये रूट पूरा कट जाता है। तो यहाँ 13 p√10
10 आया और यहाँ पर आइडेंटिटी बनी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड जब हम करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर a हमारे पास रूट 8 है, तो इसका स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 8 इंटू रूट 5। एज वी नो दैट रूट से स्क्वायर रूट कट जा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ 8 आएगा और यहाँ 5 और यहाँ पे 2। रूट 8 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि रूट 5 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, ए इंटू बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 8 और 5 दोनों मल्टीप्लाई होकर 40 हो जाएंगे, रूट एज इट इज बना रहेगा। अब हम देखेंगे 8 प्लस 5 को जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये पूरी एक टर्म सेपरेट है, तो 13 माइनस बी रूट 10 और 13 प्लस 2 रूट 40 है, तो इसको स्प्लिट कर लिया 2 इंटू 5 की फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि 13 से 13 कट जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पी रूट 10 बचता है और यहाँ से एक पेयर बन गया, तो 2 इंटू पहले से बाहर था ये और ये एक पेयर से बाहर आया तो यहाँ रूट 10 हो गया। हमने देखा कि दोनों तरफ रूट 10 से कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ पर 2 2 4 बन गया और p के साथ जो माइनस है हमने 4 के साथ शिफ्ट कर दिया, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है कि x की वैल्यू हमें 3 प्लस 2 रूट 2 दिया है, तो हमें x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू इनमें से ढूंढनी कौन सी है, तो x इज इक्वल टू x प्लस 2 रूट 2 हुआ। अब हम जब इसको रेसिप्रोक मतलब कि इस x की वैल्यू को 1 अपॉन x की फेम दोनों का रेसिप्रोक लिया, तो यहाँ पर 3 था, ये 3 प्लस 2 रूट 2 हो गया। अगर स्क्वायर रूट कोई डिनोमिनेटर में हो तो हम डिनोमिनेटर को पूरा रैशनलाइज कर देते हैं 3 प्लस 2 रूट 2 इस तरह से, जो स्क्वायर रूट के साथ जो साइन है उसको चेंज करके पूरे एक्सप्रेशन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन 1 अपॉन x की वैल्यू आएगी 3 माइनस 2 रूट 2 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर और 2 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमिरेटर एज इट इज 3 का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर 2 का है तो 4 और 2 का स्क्वायर रूट 2 और 2 पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कट जाता है तो 2 आया। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 रूट 2 और 9 में से 8 माइनस करो तो 1 आता है और ये सॉल्व करके हमारी वैल्यू आएगी इतनी 3 माइनस 2 रूट 2। अब हमें पूछा था x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू, तो x की वैल्यू तो 3 रूट 2 थी और यहाँ पे 3 माइनस 2 रूट 2 थी, ये दोनों इक्वल और अपोजिट वैल्यू है तो टोटल वैल्यू 6 आई, तो ऑप्शन हमारा सी है।